पिछले 3 महीनों से दक्षिण पंथी मीडिया संगठन और उससे जुड़े लोग गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़े जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि 2018 में ऐसे ही प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने नमाज के लिए तय जगहों को 108 से घटाकर 37 कर दिया। इस साल नवंबर में इसकी संख्या फिर से घटाकर 20 कर दी गई। इसके मद्देनजर पाकिस्तानी कनाडियन कॉलमिस्ट तारिक फतेह ने ये तस्वीर ट्वीट की। इसमें एक साथ कई लोगों को सड़क पर गाड़ियों के बीच और ट्रकों पर नमाज पढ़ते हुए देखा जा सकता है। तारिक फतेह ने लिखा कि ये भारत में दूसरों को डराने के लिए किया गया एक प्रदर्शन है। कई फेसबुक पेज ने ये तस्वीर ऐसे ही दावे के साथ पोस्ट की, जिसमें आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी, डिवाइन शालीग्राम और इटर्नल हिंदू, शाश्वत हिंदू शामिल है। तो क्या ये तस्वीर भारत की है जिसे शेयर करते हुए भारतीय मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है? इस सवाल का जवाब है नहीं। ये तस्वीर असल में बांग्लादेश की है। गौर से देखने पर ऑल्ट न्यूज को डबल डेकर बस पर BRTC लिखा हुआ दिखा, जिसका पूरा नाम है बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। आगे स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट अलामी पर सर्च करने से हमें इस तस्वीर का असली वर्जन मिला। वेबसाइट ने बताया है कि ये तस्वीर 2020 में शेख मोहम्मद महादी हसन ने खींची थी। कैप्शन के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के लोग बिस्वा इज्तिमा में जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के ढाका में हर साल एक बार मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, इसे ही बिस्वा इज्तिमा कहा जाता है। कुल मिलाकर तारिक फतेह ने बांग्लादेश में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों की पुरानी तस्वीर भारत की बताकर शेयर की।